डॉक्टर साहब, हम जिस वकील के पास जा रहे, वकील तो अच्छा है ना? भाई अच्छा है बुरा तो केस के बाद ही पता चलेगा, जीत गए तो अच्छा, नहीं तो बुरा। टप्पू के पापा। साहिबा। बोल मेरी प्यारी दया। टप्पू के पापा आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आई। तू खा। हमारे टप्पू को भी बहुत अच्छा लगा था। मेरे टप्पू है, टप्पू सिर्फ मेरा और मेरी दया का है और किसी का नहीं। टप्पू के पापा, ये लीजिए टप्पू के पापा, दही शक्कर खाकर जाइए, हमारे काम फटाक से हो जाएगा। थैंक यू मेरी प्यारी दया। टप्पू के पापा, मेरा एक और काम करेंगे। अरे एक क्या, हजार काम बोल, तेरे सारे काम यूं चुटकी बजाते पूरा कर दूंगा मेरी प्यारी दया। नहीं नहीं हजार नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है मेरे टप्पू के पापा। बोल बोल बे झिझक बोल। अब दुकान से आते वक्त मंदिर में 1 लाख रुपए चढ़ा देंगे। हाँ जरूर चढ़ा दूंगा, और बोल। नहीं बस थैंक यू। साहिबा कृपा करके मेरा भी एक काम कर देंगे। मैंने तय किया था कि जब मुझे मेरे साहिबा मिल जाएंगे तो मैं मेरे साहिबा के हाथों किसी भूखे को खाना खिलवा दूंगी। आप रास्ते में जाते जाते किसी भूखे को खाना खिला देंगे? अरे कितनी बार बोलूं मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ। चले मेहता साहिबा, मेरा मतलब है मेहता साहब, चलो। आप साहिबा के दोस्त हैं, आप समझाइए ना, मैं अच्छे काम के लिए बोल रही हूँ। जेठालाल, आप बार बार इसकी क्या साइड ले रहे? आप किसके फायर ब्रिगेड है, मेरे या इसके? चलो अभी चलते हम लोग, जाते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए चलिए साहिबा, जल्दी आना। अरे आप कहाँ इधर अदब पढ़ के खड़े हो गए भाई? मुझे लगा तुम लोगों को बातचीत करनी है। किसी को कोई बातचीत नहीं करनी है, चलो। जेठालाल कहाँ जा रहे हो? पटलाल क्या कर रहे हो, कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? क्यों क्या हुआ? क्या क्या हुआ, कोई ऐसे बाहर जा रहा हो उसके पीछे से ठोकते नहीं है क्यों? अरे अपशगुन होता है, उसका होने वाला काम बिगड़ जाता है। हाँ पोपट भाई, साहिबा सही कह रहे हैं। फिर साहिबा ये, वाह 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 जेठालाल, मैं सच में आज तुमसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या? तुम्हारी दो दो शादियां हुई है ना? मेरी दो शादी नहीं हुई है ना, के एक शादी शूटिंग में हुई है, लेकिन भाई हुई तो है ना, और यहाँ देखो एक शादी नहीं हो रही है। हाँ तो कर ले इसे शादी, शिफ्ट हो जा झोपड़े में। देख वो भी बोल रही, आता है क्या, आता चाहता करूं टक। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ भाई जेठालाल क्या बोल रहे हो, ये तो मेरी भाभी समान है। किसकी भाभी, कौन सी भाभी, क्या कुछ भी बोल रहे हो, बुढ़ापा में सठिया गए हो क्या? क्या इसका बुढ़ापा, कैसा बुढ़ापा, क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे तो 90 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो अपने आप को जवानी बोलते रहोगे? अरे भाई जेठालाल शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो, जेठालाल शांत हो जाओ ना भाई। अरे क्या शांत हो जाओ, क्या बोल रहे भाभी भाभी है। लेकिन जेठालाल। जीजा जी क्या हुआ? बबीता जी क्या बताऊं, बबीता जी एक तरफ ये झूठी औरत मेरी नकली पत्नी बनकर मेरे सुखी संसार में आग लगा रही है, और दूसरी तरफ ये पोपटलाल जैसा नासमझ लोग मुझे ताने मार रहे। भाई जेठालाल मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा था, मैं अपनी व्यथा सुना रहा था। अरे भाई मैं पहले ही अपनी व्यथा के बोझ तले दबा हुआ हूँ, उसमें बीच में तुम अपनी व्यथा कहाँ घुसेड़ रहे हो। जेठा जी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ है। बबीता जी आपका सबका साथ है इसलिए तो मैं टिका हुआ हूँ। जेठालाल अब चले। हाँ चलो। ओके बबीता जी। वैसे जिठा जी आप जा कहाँ रहे? वकील से मिलने जा रहे। ये क्या बात हुई जेठालाल, मैंने पूछा तो अपशगुन होता है और बबीता जी ने पूछा तो बता दिया। बबीता जी लकी है मेरे लिए।
बाहर जाते वक्त जब भी बबीता जी मुझे पूछते हैं तो मेरे नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं। और दूसरा क्या, तुम में और बबीता जी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। क्या? बबीता जी मुझे पूछते हैं और तुम मुझे टोकते हो। थैंक यू बबीता जी, मेरे लिए इतना लकी होने के लिए। जेठालाल भाई, वकील से मिलकर ऑफिस भी जाना, चलो भाई। ओके बबीता जी, ओके, ऑल द बेस्ट। ओ भाई, तुम कहाँ आ रहे हो? भाई मैं अपने काम से बाहर नहीं जाऊं। जाओ चलो भाई, कब तक खड़े रहेंगे भाई, चलो। क्या जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ लेट हो रहा।